मुझे आप गलत देख रहे हो, वहां पर इंदिरा गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, मतलब उस रास्ते से इंदिरा गांधी जी चलकर आई थी वहां तक, वो जो आप ग्रीन वाली देख रहे हो वहां तक चलकर आई थी। ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने हत्या के वक्त पहनी हुई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और इंदिरा गांधी जी को उनके घर के अंदर ही गोली मारी गई थी। तो आज मैं उनको वो घर दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपको इस वीडियो में देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को या इंदिरा गांधी जी के बारे में जानने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस जगह को कहा जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, फाइनली अब हम आ गए हैं इस बिल्डिंग के अंदर और इस बिल्डिंग में इंदिरा गांधी जी अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15 साल रही थी और 1984 में इसी घर के अंदर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये इसकी एंट्री है मेमोरियल की। तो जैसे ही आप अंदर आते हो, आपको अंदर आने के बाद सबसे पहले दिखाई दे गई ये कुछ न्यूज़पेपर जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या के बारे में कुछ हेडलाइन है, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ में आप देखोगे तो आपको ये पत्थर देखने के लिए मिलेंगे और ये जो पत्थर हैं इंदिरा गांधी जी को विकलांग बच्चों ने दिए थे अलग अलग देशों से, जो इंदिरा गांधी जी ने बहुत संभाल कर रखे हुए थे। और इसी के साथ में आपको दीवार पर कुछ तस्वीरें मिलेंगी देखने के लिए इंदिरा गांधी जी की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हैं और कुछ उनकी जवानी की तस्वीरें भी हैं। और साथ में आपको ये रूम देखने को मिलेगा जहां पर उनके कार्यकाल के जो 15 साल थे प्रधानमंत्री के रूप में, वो सारी चीज़ें, वो सारी हेडलाइन आपको इस रूम के अंदर देखने को मिल जाएंगी, उनके बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और साथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा इस कलश की तस्वीर। इस कलश के अंदर इंदिरा गांधी जी की अस्थियाँ थी जब उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इस कलश के अंदर उनकी अस्थियाँ रखी गई थी। और दोस्तों, ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने हत्या के वक्त पहनी हुई थी, साथ में उनके बैग रखा हुआ है और उनकी चप्पल हैं, ये सब चीज़ें वो उस टाइम पे यूज़ कर रही थी। और देखिए आप साड़ी पर आज भी कितना ज़्यादा खून है, ब्लड के सारे निशान आज भी मौजूद हैं इस साड़ी पर। और साथ में ये कुछ सामान रखा हुआ है जो इंदिरा गांधी जी के पर्सनल यूज़ का था, घड़ी हैं, चश्मे हैं और ये कुछ तस्वीरें हैं उनकी बचपन की जो गांधी जी के साथ हैं। और दोस्तों, ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने अपनी शादी के वक्त पहनी हुई थी। ये देखिए, ये वही साड़ी है जो इंदिरा गांधी जी ने अपनी शादी के वक्त पहनी हुई थी। और नीचे की तरफ आप जो देख रहे हो, ये वो बर्तन है जो इंदिरा गांधी जी खाना खाने के लिए यूज़ किया करती थी। और आप सामने की तरफ देखोगे इन तस्वीरों में, तो इन तस्वीरों में आपको इंदिरा गांधी जी की शादी के वक्त की तस्वीर मिलेंगी जिसमें उन्होंने यही साड़ी पहनी हुई है। और ये वो सारे सामान हैं जो इंदिरा गांधी जी को सम्मानित करने के लिए अलग अलग देशों से गिफ्ट में मिले थे। और दोस्तों, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो हमें यहाँ से आगे की तरफ देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी जी का स्टडी रूम। देखिए दोस्तों, ये इंदिरा गांधी जी का स्टडी रूम है, यहाँ पर वो पढ़ा करती थी। ये उनकी एक तरह से लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और यहीं से ही वो बहुत सारे ऑफिस के काम भी देखा करती थी, या वो जब थक जाया करती थी यहाँ पर आराम करती थी और कुछ किताबों को भी पढ़ा करती थी। ये देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, ब्लैक एंड वाइट टीवी है और चारों तरफ बुक्स ही बुक्स लगी हुई हैं। और यहाँ से आगे हम चलेंगे तो हमें मिलेगा राजीव गांधी का कक्ष, मतलब कि राजीव गांधी का रूम। और राजीव गांधी जो थे वो इंदिरा गांधी के बेटे थे, वो भी इसी घर में 16 साल रहे थे। यहाँ पर आप उनकी कुछ बचपन की तस्वीरें देख सकते हो और उनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पर लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी जी की राजीव गांधी से कैम्ब्रिज में पहली बार मुलाकात हुई थी एक रेस्टोरेंट के अंदर। और ये सारी उनकी विवाह की, उनके शादी के वक्त की तस्वीरें हैं। और राजीव गांधी जी फोटोग्राफर थे तो उनके द्वारा ली हुई कुछ फोटो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो ड्रेस है जो राजीव गांधी जी पहना करते थे। ये नीचे लैपटॉप है उनका और कुछ चप्पल रखी हुई हैं, इस लैपटॉप को यूज़ किया करते थे।
और दोस्तों जो आप सामने की तरफ देख रहे हो ये वो कपड़े हैं जो राजीव गांधी ने पहने हुए थे अपनी हत्या के वक्त, और उनको दोस्तों बम से उड़ाया गया था। तो देखिए उनके कपड़ों के चितड़े उड़ गए थे, अभी भी कितना ब्लड कितना खून है इनके कपड़ों पर, और बिल्कुल धज्जियाँ उड़ गई हैं कपड़ों की, तो शरीर का क्या हाल हुआ होगा। और नीचे की तरफ उनके शूज रखे हुए हैं और सॉक्स रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ पर आओगे तो सच में आप इमोशनल हो जाओगे, भावुक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की जो साड़ी है वो रखी हुई है, उस पर ब्लड के निशान हैं, और राजीव गांधी जी के जो कपड़े हैं वो जब आप देखोगे तो आप वाकई में इमोशनल हो जाओगे, और आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। वो जो यहाँ देख कर मैं फील कर रहा हूँ आप भी वो फील करोगे अगर आप यहाँ पर आओगे इस जगह को देखने। तो हम जा रहे हैं पूजा गृह के अंदर, जो पूजा का कक्ष है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी प्रेयर किया करती थी। ये देखिए छोटा सा बना हुआ है, बंद किया हुआ इस तरह से। ये देखिए ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम जहाँ पे वो आराम किया करती थी, और कितना सिंपल सा उनका रूम है। और देखिए यहाँ पर हर जगह पर किताबें रखी हुई हैं, आप इंदिरा गांधी जी से जुड़ी जो भी चीज़ें होगी उसके आसपास किताबें ज़रूर मिलेंगी, बुक्स ज़रूर मिलेंगी। और नेक्स्ट ड्राइंग रूम, ये है इंदिरा गांधी जी का ड्राइंग रूम, ये उनका ड्राइंग रूम है। और आप सभी जानते हो कि इंदिरा गांधी जी किस तरह की पर्सनैलिटी थी, तो उनसे देश विदेश के लोग मिलने आया करते होंगे, तो यहाँ पर बैठकर उनका स्वागत करती होंगी, वेलकम करती होंगी, उनसे बातें करती होंगी। और देखिए दोस्तों ये है उनका डाइनिंग रूम, यहाँ पे और भोजन किया करती थी। ये देखिए ये उनकी डाइनिंग टेबल है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी बैठकर खाना खाया करती थी, ये वो रूम है। तो दोस्तों ये वो रोड है जहाँ से इंदिरा गांधी जी ऑफिस जाने से पहले रोज़ इसी रास्ते से अपने घर से बाहर जाया करती थी, और इसी रोड पर आगे चलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं वो जगह आपको दिखाने वाला हूँ, उस जगह की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो देखिए वो रोड जो गई है वो सामने की तरफ, ये गोल्ड रोड गई है जो मैं रोड लेके जा रहा हूँ आपको, यही वो रास्ता है। दोस्तों आप जो क्रिस्टल से ढका हुआ रास्ता देख रहे हो ना, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जिस पर ढके हुए हैं, यही वो रास्ता है जिस पर आखिरी बार इंदिरा गांधी चलकर आई थी। और आगे जो आप वो जगह देख रहे हो, ये सामने वाला पॉइंट है, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर वो सामने की ओटी खड़ी हुई है, वहाँ जाके उसके पास जाके वो गिरी थी, और मैं वो आपको वही जगह दिखाने वाला हूँ। और ये सामने आप देख रहे हो ना शीशे ढकी हुई जगह, ये ग्लास से कवर हुई हुई जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर गिरी थी इंदिरा गांधी गोली लगने के बाद। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ इस जगह से बाहर, और ये आप देख रहे हैं ये सफदरजंग रोड है, और इसी के साइड में इंदिरा गांधी मेमोरियल है, और बहुत ही अच्छी जगह है, आप देखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ पर बोलना अलाउड नहीं है, और आपसे मोबाइल ले जा सकते हो, फोटो वगैरह खींच सकते हो। तो जैसे ये वीडियो बनी है वो आपने देख ही ली, जिस तरह ये बना पाया, जिस तरह का आपको बेस्ट दे पाया, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया वो आप देख ही चुके हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।